मेरा नाम सतविंदर है मैं हैदराबाद सनत नगर में रहता हूँ ये मुझे सोरेसिस आया था मेरी बॉडी में ये पूरा चेस्ट में और इधर यह पूरा आ गया था यह पूरा हेयर्स में अंदर ये चेस्ट में यह पूरा आ गया था यह हाथ में भी आया था पूरा फ्लोरिश हो गया पूरा अब वो पूरा फ्लोरिश होने के बाद में पहले एलोपैथिक में गया वो ये क्रीम लगा वो क्रीम लगा उससे कुछ कम थोड़ा भी नहीं हुआ उससे फिर उसके बाद में होम्योपैथिक करने गया वो वाइट कलर छोटे छोटे टैबलेट्स वो वन मंथ वन एंड हाफ मंथ का खाया उससे कब कम हो रहा कब ज्यादा हो रहा वो मालूम नहीं पड़ रहा उससे वो एक बार रात में पूरा रात सोया नहीं वो नहीं सोते सोते एक बार वो महिला यूट्यूब में देख करके उसमें मारा क्या बोल गए सोरेश से ट्रीटमेंट बोल गए इन आयुर्वेदा तो सोरेश्र ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा देखा तो ये बास्करा बोल के आया चलो ये बास्करा ट्राई कर लेते बोल के फिर यहाँ आया तो श्यामला मैडम बोल के था मैडम यहाँ पर वो मैडम क्या बोला पूरा बॉडी पूरा देख के चेक करके क्या बोला अरे साहब आप क्यों चिंता करते आपका एक कम हो गया था अभी साहब सिक्सटी फोर ईयर चल रहा मेरा आप क्यों चिंता करते इसको मैं ट्रीटमेंट करके देता बोल के बोला लिटरली बता रहा ना मैं आपको ट्वेंटी डेज के अंदर पूरा जीरो कर दिया मैडम ने फिर ये सोरेसिस भी की एक एक ऐसा चीज है सोरेसिस बॉडी में आने के बाद में कम होने के बाद में डाइट विल बी योर मेडिसिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप डाइट में चेंज लाएंगे वो फिर आएगा पंचकर्मा ट्रीटमेंट है हर चीज है यहां पर ये लोग अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं ये हॉस्पिटल जो है ना कमर्शियल हॉस्पिटल नहीं है अगर आपको रहने का है एकमोडेशन भी है इनका इधर भी है विजयवाड़ा में भी है दो जगह है एक बार आकर के अगर अगर आप ट्रीटमेंट करवा लिये ना आपको पिछला जो दस साल में पांच साल में जो ट्रीटमेंट किया ना वो सब भूल जाते हैं आप डेली 15-20 पेशेंट्स तो मैं देखता हूँ यहाँ पर जब भी मैं आता हूं पंद्रह बीस पेशेंट तो ट्रीटमेंट को पक्का रहते भास्कर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को टैंक्स और स्पेशली टैंक्स फॉर श्यामला मैडम